हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि सेम रूटीन है हमारा, हम जा रहे हैं स्कूल मंडे टू फ्राइडे। गाइस, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं स्कूल को एक मिनट बेटा क्विट कर दूँ, छोड़ दूँ। वो देखो गिलहरी, वो देखो गिलहरी आई, बोली वो भाग रही है, वो देखो है ना। अब तो उसके पीछे जाएगा क्या? इधर हो जा, चली गई गिलहरी है ना कुछ। तो गाइस, जैसा कि आज का वेदर है ठीक, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, अप्रैल तक तो हो जाएगा शायद। मतलब दो जैकेट से एक पे नॉर्मल में आ जाएंगे, है ना। चल चलो फिर गाड़ी स्टार्ट है आज, रुक जा। इधर उधर मत जाया कर, नहीं कुछ मकड़ियाँ होती हैं यहाँ पे गंदी मंदी। ओके, तो देखो सुबह सुबह रेस लगा रहे हैं, ये स्कूल में भाग रहे हैं सुबह सुबह। तो गाइज, अभी हम निकले हैं स्कूल से, अब जा रहे हैं निकुश के स्कूल। निकुश को करेंगे वहाँ से पिक, तो उसके बाद फिर जाएंगे अपने घर। तो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं स्कूल में निकुश के, यहाँ से निकुश को पिक करेंगे, तो फिर उसके बाद निकलेंगे अपने घर। तो गाइस, ये ना हम जब पार्टी पे गए थे ना अभी 5-6 डे पहले, यहाँ पे ना निकुश ना नाराज़ हो गया है। तो सब ना इसको मनाने में लगे हुए हैं कि तो यहाँ पे आके क्यों बैठ गया है, ये वाला पार्ट ना मेरा पोस्ट ही नहीं करा था, रह गया था, वीडियो बहुत सारी थी ना। तो गाइस, ये है मेरे इन लॉज का घर, ये अभी तैयार हुआ है, न्यू लिया है, बन रहा था तो काफ़ी टाइम लग गया बनते, अब जाके कहीं फाइनल हुआ है, 1-2 डे हुए हैं तो इसे इन्होंने शिफ्ट करा है अभी। तो शिफ्ट में फिर गृह प्रवेश करते हैं, तो पूजा करवा रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया गया, सोच रहे थे काफ़ी हो जाएगा जल्दी, पर हुआ नहीं, डीलर ने ना बहुत लेट कर दिया। तो अब जाके कहीं हुआ है, मतलब कि सोचा था कि हो जाएगा जल्दी, बट उसने काफ़ी डिले कर दिया। तो फिर चलो, जब भी हुआ हो गया फाइनल, अब आज गृह प्रवेश पूजा। तो गाइस, फंक्शन में थोड़ा गृह प्रवेश तो चलो सुबह के टाइम पे हुआ था, तो शाम को इनका अपना नाच गाना चल रहा था। ये मेरी जेठानी है, सास है, उनकी भाभी, उनकी बेटी, ये सब अपना नाच गाना कर रहे हैं। अब काफ़ी लोगों को बुलाया था उन्होंने, जो भी अपने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं नियर के, उनको बुलाया था। तो इनकी चल रही है डांसिंग। तो गाइज, अभी हमारा हो चुका है चाय का टाइम, अब हम चाय पीने जा रहे हैं। शाम हो चुकी है यहाँ पे, 5:00 हो चुके हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय बना के पी के फिर हो जाएगी खाने की तैयारी। पूरा दिन हमें यही काम रहता है, सुबह उठो, चाय नाश्ता बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ, फिर रात को बनाओ, फिर चाय बनाओ, यही काम रहता है। कभी लड़ाई हो जाती मम्मा, लड़ाई तो बेटा हमेशा ही रहती है, सारा मम्मा डैडा की लड़ाई हो जाती है। नहीं होती गाइस, लड़ाई होती है जब हम बात करते हैं ज़्यादा, तो जब हम बात नहीं करते तो ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। ज़्यादा बात नहीं करो, ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, कम बोलो कम लड़ाई होगी, ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा लड़ाई होगी, इसलिए हम बात ही नहीं करते तो लड़ाई कहाँ से होगी। हाँ जी। तो गाइस, अभी चाय का टाइम हो रहा है, हमारा काम है सिर्फ चाय बनाना, खाना बनाना, बस दैट्स इट।
बचा खुचा स्कूल का जो से अप्पा हमने मोल ले लिया है वो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है। तो गाइज वैसे भी मैं आजकल लोगों से ज़्यादा उलझती नहीं हूँ। एक टाइम था जब मैं हर बात पे गुस्सा कर लेती थी, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला। तो गाइज अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती किसी से, ना मैं किसी से ज़्यादा उलझती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी को एक बात बोलेंगे तो गाइज वो पलट के 10 बातें बोलेगा। और बाद में देखो कोई भी ऐसा नहीं होता दुनिया में जो अपने आप को गलत कह के दूसरे को सही कहे, हर कोई अपने आप को सही कहता है, मैं भी खुद को सही कहती हूँ, इसी तरह से सामने वाला भी। तो इसलिए ना ज़्यादा बात करते हैं किसी से, और ना हम ना बुरे बनते हैं, ना कोई बुरा बनता है, हम अपना खुश हैं, बाकी अपना खुश है। तो गाइस सबसे बड़ा रीज़न है मेरा चुप रहने का या लोगों से दूर रहने का मेरी एनजाइटी और स्ट्रेस, क्योंकि मैं 2 साल से एनजाइटी से स्ट्रेस से सफ़र कर रही हूँ, जिसके लिए मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, ना मेरी किसी ने हेल्प करी है, मैंने अपनी खुद की हेल्प खुद ही करी है। तो अगर मैं खुद की हेल्प खुद से नहीं करती तो मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, किसी ना कभी कभी किसी ना किसी को इफेक्ट कर जाती हैं। ऐसे सब एक तरह से नहीं होते हैं कि दिल पे नहीं लिया, खाया पिया, बातें सुनी, 4 बातें सुनी, लड़ाई करी, मस्त होके सो गए, हर कोई ऐसा नहीं होता है। मेरा सिस्टम अलग है, हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है। बस मुझे फ़र्क पड़ता है बातों से, पहले पड़ता था एंजाइटी में जब चली गई, तो उसके बाद से मैंने खुद का नेचर बदल दिया, क्योंकि लोग कभी नहीं बदलते गाइस। तुमने बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, लोग कभी नहीं बदलेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। और लोगों की बातें मुझे बहुत इफेक्ट कर गई। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं जर्मनी में बैठी हूँ तो मैंने कोई स्ट्रगल नहीं करा, बस इजीली मैं यहाँ पे आके बैठ गई, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था, बहुत सी बातें थी, मैंने बहुत कुछ सुना सहा, मतलब कि बता नहीं सकती। तो मतलब मैं इन सब चीज़ों से मुझे बहुत इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मैं एक स्टेज होती है ना इंसान की कि भाई कब तक वो सुनेगा और कब तक वो सहेगा, तो एक स्टेज पे आके उसका एंड हो जाता है। तो वही बात हुई मेरे साथ कि पता ही नहीं चला कि कब मैं एंजाइटी में स्ट्रेस में चली गई। तो इसलिए फिर मैं अब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ गाइज, क्योंकि इंसान सुधरता नहीं है, जो जैसा होता है ना गाइस वो वैसा ही रहता है। तो खुद की मदद तो मैं खुद ही करनी पड़ती है, तो मैंने भी अपनी हेल्प खुद ही करी है। तो अभी अब मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए।